फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी कपिल देव को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जो कपिल देव हैं, ये निरीक्षक थे खाद्य आपूर्ति विभाग में, और ये जब यहाँ असंध ये इंस्पेक्टर थे, और संध इनको जब पोस्टिंग थी तब गेहूं का जब वो लगा था सीज़न, उसमें इन्होंने जितना गेहूं एफसीआई को भिजवाना था उतना नहीं भिजवाया, जिसमें 2 करोड़ समथिंग का इनका इन्होंने विभाग को और सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाई थी। जो पहले ये कंप्लेंट आई थी तो उस पे जांच हुई, और जब गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुए फिर ये एफआईआर दर्ज हुई, जो 12 नंबर एफआईआर है इस साल की। और फिर इसके बाद जैसे इन्होंने हाई कोर्ट में भी गए, और हमने अपना पक्ष जो मजबूती से वहाँ रखा, और वहाँ से फिर इनकी जो बेल एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट हुई। अभी ये एब्सकॉन्ड कर रहे थे काफ़ी समय से, तो उस पर फिर विजिलेंस की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो था 5,000 रुपये का इनाम भी रखवाया गया था, जिसमें आगे एसटीएफ करनाल ने जो कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट किया है। और हमने इनको 2 तारीख को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय से 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया था फॉर द रिकवरी एंड फॉर इंटेरोगेशन, पूछताछ के लिए। तो उसके बाद जो सामने आया कि इन्होंने जो उस समय जो पैसा उस समय सरकार को ना पहुंचाकर और अपनी जेब में डाल दिया था, उससे इन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी जो बनाई है अभी उसकी इन्होंने कुछ डिटेल्स हमें दी हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और कंसर्न जो आईओ हैं वो उसको वेरीफाई करके कि वाकई में क्या ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ही खरीद रखी हैं, और वो रेवेन्यू से अभी रिकॉर्ड लेंगे और आगे उस चीज़ में वेरीफिकेशन में जाके फिर आप लोगों के साथ कैश कुछ भी बरामद हुआ है। हाँ नहीं, कैश वो इन्वेस्ट कर चुके हैं जैसा कि हमारे को पता लगा, और उनको लेके भी गए थे कि कहाँ प्रॉपर्टी है ज़रा फिजिकली भी दिखाइए, और उसके बाद आज उनको माननीय न्यायालय में पेश करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एफसीआई को गेहूं देना था उन्होंने, कितना गेहूं था, कुछ ऐसा कुछ? एफसीआई को गेहूं देना था, जितना देना था उससे 6,195 क्विंटल कम भिजवाया, और जो रह गया था वो उन्होंने मना कर दिया था उठान से, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था, जिसकी इन्होंने टाइमली उनको उठवाना था गेहूं को और एफसीआई में पहुंचवाना था। अभी सस्पेंड चल रहे थे सर यमुनानगर के? हाँ, यमुनानगर इनकी पोस्टिंग हो गई थी बट अभी सस्पेंड थी। कोई और मामला भी है इनके खिलाफ? वो अभी हमने रिकॉर्ड कॉल किया हुआ है, अगर कोई और अन्य मामले होंगे तो ज़रूर वो शेयर किया जाएगा।